उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग तल्ला नागपुर के पहाड़ों पर स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में 15 मई से भव्य धार्मिक 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहलवार ने मंदिर तक की जाने वाली तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को मंदिर परिसर और पैदल मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उचित प्रबंध करने को कहा। जिलाधिकारी ने मंदिर पैदल मार्ग में अस्थायी शौचालय की व्यवस्था कराने, मंदिर के मुख्य द्वार पर बेहतर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। वहीं कार्तिकेय मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न नेगी ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी दूसरी बार दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पुजारियों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 15 मई को दिव्य और भव्य धार्मिक कार्यक्रम होगा। उन्होंने उत्तराखंड के सभी लोगों से अधिक संख्या में कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचने की भी अपील की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 15 मई को 108 बालमपुरी शंखों के द्वारा श्री कार्तिकेय धाम में श्री कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाएगी। इसके निमित्त आज रुद्रप्रयाग के माननीय जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और श्री कार्तिकेय मंदिर समिति के पदाधिकारी गणों की एक समन्वय बैठक हुई और इसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का आने का भी कार्यक्रम है। इसके निमित्त सारी व्यवस्थाओं के संदर्भ में चर्चा वार्ताएँ की गई और व्यवस्थाएँ सुचारू करने के लिए आपस में विचार विमर्श कराया गया।